तो मैं आ रही हूँ इस सुनसान सन्नाटे वाली जगह, ये जगह का नाम है गुनियाल गांव। आज शाम के समय हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं, टहलने के लिए, और पूरी रोड खाली है। आप देख सकते हो पूरी रोड खाली है, बिल्कुल कोई नहीं है, बहुत कम गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं। तो ये जगह वॉक करने के लिए बहुत अच्छा है, माइंड फ्रेश करने के लिए अच्छा है, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ प्लेस, बहुत अच्छी जगह है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हम कहाँ कहाँ यहाँ से जा रहे हैं। और फिलहाल पीछे से गाड़ी आ रही है बहुत ज़ोर से, तो मैं साइड हो जाती हूँ। और यहाँ का नज़ारा देखो आप, कितना अच्छा है, कितना सुकून मिल रहा है यहाँ पे मुझे, ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कभी कभी ऐसी जगह भी आना चाहिए जहाँ पे आपको एक सुकून मिलता है। वो रहे मेरे हस्बैंड दूर खड़े, वो मैं ब्लॉग बनाने लगी ना तो वो भी फ़ोन में बातें कर रहे किसी से। और कभी कभी ना ऐसी जगह आना चाहिए, आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है, आपका माइंड जो होता है कभी कभी टेंशन में रहता है इंसान, तो वो चीज़ शांत करने के लिए, वो चीज़ अच्छी करने के लिए, अपने दिल को खुश करने के लिए हम लोग को कभी कभी ऐसी जगह आना चाहिए। अभी हम देखते हैं यहाँ से कहाँ जाएंगे, कुछ खा पी के आएंगे मुझे तो। गाइज ये देखो मेरे हस्बैंड का बियर मैंने गलती से तोड़ दिया है और उनको आ रहा है मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा, लेकिन ऑन कैमरे वो मुझे गाली नहीं दे सकते, राइट? और देखो ऐसे ही इसको पी रहे, सॉरी बेबी। ये देखो सारा बियर मैंने गुस्से में नीचे फेंक दिया था और ये गिर चुका है, बट अभी मेरे पति इतने अच्छे मूड में है कि वो मुझे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जहाँ पर हम आए ना, यहाँ से देहरादून का पूरा व्यू दिखता है। अभी इतना क्लियर नहीं आएगा मेरे फ़ोन में, जूम करके देखती हूँ, मतलब इतना क्लियर तो नहीं आ रहा है, बट यहाँ पुड़कल कैफ़े में है हम लोग, यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू आता है शाम शाम के समय। अगर यहाँ पर आप लोग चाय कॉफ़ी कुछ भी पीने आओ तो फिर यहाँ का जो नज़ारा देखने को मिलता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा, दिल खुश हो जाता है। पहले कहीं और जा रहे थे बट अचानक से प्लान चेंज हुआ और हम लोग यहाँ पर आ गए, क्योंकि अभी इस समय क्या होता है ना, यहाँ पर बैठ के थोड़ी सी बातें कर लो, इतना अच्छा मौसम है, थोड़ा सा दिमाग भी अच्छा हो जाता है। कुछ ऑर्डर करूँगी, कुछ अच्छे से ड्रिंक अपने लिए ऑर्डर करूँगी। और वैसे देहरादून में जो लोग रहते हैं, काफ़ी लोग ये पुड़कल कैफ़े के बारे में जानते होंगे। यहाँ पर आप लोग को पता ही होगा कितना अच्छा व्यू है, चारों तरफ एकदम जंगल ही जंगल है, बहुत शांति है यहाँ पर। जैसे मार्केट में किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, आप कैफ़े में जाओगे, तो वहाँ पर आपको रश टाइप का मिलेगा, हल्ला मिलेगा, बट यहाँ पे बिल्कुल शांति है, बिल्कुल। यहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हो, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो, बर्थडे पार्टी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो बस अब मैं जा रही हूँ कैफ़े के अंदर, कैफ़े के अंदर देखती हूँ क्या पीती हूँ, कुछ ड्रिंक पीऊँगी मैं, तो चलो फिर मिलते हैं। तो ये है कैफ़े जहाँ पर हम लोग आए हैं, और ये देख सकते हैं आप लोग बाहर का नज़ारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। दिस इज पुड़कल कैफे। टुडेज अ स्पेशल फ्रेश स्ट्रॉबेरी शेक बनाना, हाँ पैनकेक, नहीं रेड सॉस पास्ता, मटन मोमो एंड वेज थुप्पा, नहीं। अभी क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड ने अभी यहाँ पे मोमोज ऑर्डर किए, बट अनफॉर्चुनेटली आज है ट्यूसडे और हमने कर दिए थे मटन मोमो ऑर्डर, तो अभी कैंसिल करवाएं, अब वेज मोमो खाएंगे। प्लस मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ली है और वैसे मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, तो बस कोल्ड कॉफ़ी तो मैं बाइक में जाते जाते पी लूँगी और मोमोज घर में जाके खा लेंगे, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है, खाना भी बनाना है, डिनर बना रहे हैं घर में, मम्मी पापा अकेले हैं। शाम को अगर आप बाहर जाओ, थोड़ा सा घूमो फिरो, बाहर का नज़ारा देखो, तो काफ़ी लोगों के संग बैठ के जब काफ़ी माइंड शांत होता है। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँ, तो
ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कुछ अच्छा सा, अगर कहीं मैं गई कोई अच्छी प्लेस में तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। कोल्ड कॉफ़ी भी आ चुकी है, बस इसे लेके चलते हैं बाइक में, घर जाते जाते इसको पियेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आप लोग को टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे ना कुछ भी चीज़ खाने से ज़्यादा अच्छा लगता है पीना। वैसे कॉफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे ये बबल टी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे आइस टी बहुत ज़्यादा पसंद है। हॉट से ज़्यादा मुझे कोल्ड चीज़ें पसंद है, बहुत ज़्यादा माइंड फ्रेश हो जाता है भाई, बहुत ज़्यादा यम हो रही है। चलो भाई ये मज़े लेते लेते हम चलते हैं घर में, तो घर में मिलते हैं। कैसी लगी आप लोग को मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और मुझे आप लोग बताना कि मुझे किस तरीके की वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भी इस फील्ड में बिल्कुल नहीं हूँ। आई थिंक ये सेकेंड टाइम में ब्लॉग बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम भी जो मैंने ब्लॉग बनाया था तो इतना खास बना नहीं था मुझसे, क्योंकि बोल नहीं पाती मैं ज़्यादा। वैसे अगर मैं वॉइस ओवर कर लूँगी वॉइस ओवर, लेकिन मैं अगर डायरेक्ट कैमरे में किसी से फोकस करके बात नहीं कर सकती, ज़्यादा देर बोल नहीं सकती, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो मुझे पता नहीं चलता है। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छे ब्लॉग दे सकूँ और अच्छे से अच्छे चीज़ें आप लोग को दिखा सकूँ, अपने लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आपको दिखा सकूँ, मैं दिन भर क्या करती हूँ कहाँ जाती हूँ धीरे धीरे करके। कौन नीचे मुझे डर लगा नीचे कौन है, पानी का आवाज़ आ रहा था, तो आई थिंक ये बाथरूम का कोई पाइप होगा, वहाँ पे पानी की आवाज़ आ रही है। सो गाइज तो अब हम लोग घर में मिलते हैं, घर में नहीं मिलते नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करना कि मुझे किस तरीके की वीडियो बनानी चाहिए, और अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो को ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा एंड लाइक जरूर करिएगा मेरी वीडियो को। हजूर ओके, बाय बाय।